ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल आप देख रहे हैं, ये है कमलापुर में। और इस सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मेरे यूट्यूब नोमैडिक भारतीय चैनल पर आपका स्वागत है। ये फोटो लेने का मेरा एक पर्पज है, उद्देश्य है। आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये रोड जो होता है हॉस्पिटल से आ रहा है, और इसके बाद ये सीधा कॉम्पली जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम्पी। तो हम्पी जाते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर पे वो किले, विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय द्वितीय का किला शुरू हो जाता है, जिसमें आप स्विमिंग पूल, लोटस टेम्पल, हजारा मंदिर और भी कई तालाब आप देखेंगे। तो आज मैं स्विमिंग पूल का वीडियो तो मैंने बनाया है, आप देख चुके हैं। तो आज लोटस टेम्पल चलेंगे, लेकिन लोटस टेम्पल चलने के पहले यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है। तो म्यूजियम ये जस्ट सामने है, एक 50 फीट पे। तो म्यूजियम और लोटस टेम्पल और विट्ठल मंदिर का टिकट एक ही है। तो ये कमलापुर आप देख रहे हैं, तो चलते हैं, फिर हम म्यूजियम में टिकट लेते हैं, फिर वहाँ से लोटस टेम्पल चलेंगे, क्योंकि टिकट एक ही है। तो हमने सोचा म्यूजियम भी के देख लेते हैं, नहीं तो लोटस टेम्पल में केवल लोटस टेम्पल जाने वाले थे हम, तो लोटस टेम्पल में टिकट लेते हैं तो फ़ायदा क्या था। तो हमने कहा म्यूजियम भी देख लेते हैं, म्यूजियम में क्या है। वैसे पहले मैं म्यूजियम देख चुका हूँ, तो चलते हैं फिर म्यूजियम देखते हैं। म्यूजियम में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये आप म्यूजियम में देख रहे हैं, बाहर शो किए हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप देखिए, एक बहुत अच्छी मूर्ति है, और ये ऐसा है कि कृष्णदेवराय या विजयनगर साम्राज्य में जो जहां निर्माण हुआ था, आउटसाइड अलाउड, जो निर्माण किया गया था, वो जहां जहां ये मूर्तियां मिली हैं, वो दूर आप देख रहे हैं विष्णु भगवान की शेष सैया पे मूर्ति है, वो यहाँ लगाया गया है। और हम आउटसाइड देख रहे हैं, ये भी विष्णु भगवान की मूर्ति है, गणेश भगवान आगे हैं। तो ये पूरे साम्राज्य में जो मूर्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, उनको संकलित करके यहाँ म्यूजियम में ला के रखा गया है, ताकि लोग देख सकें। ये नंदी जी का देखिए, इस तरह का नंदी, ये नंदी नहीं है, ये गोमुख है, एक विशेष कलाकृति, किसी मंदिर में रहा होगा जो खंडित हो गया। ये आप देखिए, तो ये जो खंडित मूर्तियां इधर उधर पड़ी मिली, उसको गवर्नमेंट ने, पुरातत्व विभाग ने संजो कर यहाँ रखा है, और यहाँ टिकट लगता है। आज मुझे फ्री अलाउ किया है, मैं अंदर चलूँगा, लेकिन फ़ोटो नहीं बनाऊँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो परंतु यहाँ का टिकट 3 जगह काम करता है,
एक तो यहाँ काम करता है म्यूजियम में जो कमलापुर में है, दूसरा किले में लोटस टेम्पल है वहाँ, और तीसरा विट्ठल मंदिर में ये टिकट काम करता है। एक मूर्ति आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी है, देखिए कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए और राधा की सातों सहेली आप देख गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो राधा की 7 सहेलियाँ थी वो इनके साथ हैं, और ये देखिए गौ माता भी हैं, और इधर खंडित हो गया है, बहुत अच्छी कलाकृति है ये। तो ये कहाँ पाई गई ये तो बोर्ड नहीं लगा है, आगे गणेश भगवान हैं। तो इस तरह पूरे विजयनगर साम्राज्य में जब आप भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक धार्मिक स्वरूप रहा है, और धार्मिक स्वरूप इसलिए रहा क्योंकि ये किष्किंधा क्षेत्र रहा है। तो कृष्णदेवराय द्वितीय ने जब यहाँ साम्राज्य की स्थापना की, बताते हैं कोई दूसरे एक राजा थे बुक्का, उन्होंने किया था, लेकिन राजा तो बने कृष्णदेवराय द्वितीय ही, या जो भी हो जैसा भी इतिहास हो। इस समय मुझे पढ़े 30-35 साल हो गए तो मैं कुछ भूल गया हूँ, परंतु हर जगह नाम कृष्णदेवराय द्वितीय का ही आता है। तो वो पूरे राजधानी को धार्मिकमय बना दिया था क्योंकि ये क्षेत्र किष्किंधा बोला जाता था, तो उस राम जी को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा धार्मिक स्वरूप दिया था। तो हर जगह आप इनकी कलाकृति में भगवान की ही मूर्ति पाएंगे। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आँख से ही देख के फिर बाद में हम आपको विश्लेषण करेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो मैं अंदर से बाहर निकल आया और अंदर जो देखा विशेष रूप से वो आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे इनके, जो मुद्रा चलती थी इनकी, उस पर भगवान के फोटो कुछ सिक्कों पर, और कुछ सिक्कों पर राजा के नाम, ये दो चीज़ें हमें दिखी, लिखे रहते थे। कुछ सिक्कों पे भगवान की फ़ोटो है और कुछ सिक्कों पे राजा का नाम है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि सभी भगवान के, हनुमान से लेके कृष्ण से लेके विष्णु भगवान से लेके शंकर भगवान से लेके सभी की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इस क्षेत्र में नाग शक्ति की पूजा अच्छी तरह से मानते हैं, तो नाग देवता का भी मूर्तियां हैं, और इच्छाधारी नागिन की एक मूर्ति है जिसमें नाग और एक नारी को साथ में दिखाया गया है। तो इच्छाधारी नागिन, तो उस समय इच्छाधारी नागिन पे भी लोग विश्वास करते थे। और इसके बाद अब हम चलते हैं किले में लोटस टेम्पल देखने। इस समय मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ पुरातत्व विभाग म्यूजियम के, और जो अंदर मैंने इच्छाधारी नागिन की मूर्ति लगी है उसके विषय में जानकारी कर रहे हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि ये इच्छाधारी नागिन की मूर्ति कहाँ से पाई गई कहाँ से पाई गई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ,
बट और भी नागिन का मूर्ति वहाँ पे बहुत सारा है। अचित्राय का अचित्राय मंदिर, हाँ। अचित्राय मंदिर के बैक साइड में दुर्गा माँ का मंदिर है, हाँ। दुर्गा माँ का मंदिर से 2 मिनट का रास्ता है, हाँ। खेत में उनका बहुत सारा मूर्ति है, हाँ। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अचित्राय मंदिर के बैक साइड, अचित्राय मंदिर के बैक साइड में दुर्गा माँ का मंदिर है, हाँ। दुर्गा माँ का मंदिर से इधर से लेके उतना दूर रोड का रॉस इतना दूर, हाँ। खेत में बहुत सारा उनका मंदिर है। थैंक यू। मैं म्यूजियम से वापस आकर ये फिर भी भीमराव अंबेडकर के सर्किल पे खड़ा हूँ। अब मैं लोटस टेंपल यानी किले के में चलता हूँ, जहाँ आप मेरे कुछ पिछले वीडियो में देख चुके हैं किले में, तो आज लोटस टेंपल मैं देखूँगा। तो चलते हैं, इस साइड में है।